पिछले एक हफ्ते में डेंगू मरीजों की संख्या 1,000 के पार। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में डेंगू के केस कोरोना वायरस के मुकाबले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीर पुरानी नहीं, नई है। ये कोरोना का हाल नहीं, डेंगू का कहर है। और कहर भी ऐसा कि अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, क्योंकि दिल्ली में डेंगू के नए मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की हालत देखिए, मरीजों की गिनती नहीं है। वार्ड के अंदर ही नहीं, बल्कि यहाँ हर जगह डेंगू मलेरिया बुखार के मरीज दिखाई दे रहे हैं। मरीज इतने हैं कि ठीक से इलाज करवाने की भी जगह नहीं है। अस्पताल के कॉरिडोर में ये लोग जमीन पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। अब जरा दिल्ली के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अस्पताल की तस्वीर देखिए। एक बार आपको फिर बता देते हैं कि ये कोरोना काल की तस्वीर बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक बेड पर आपको एक से ज्यादा मरीज भी दिखाई देंगे। किस्मत से बेड तो मिल गया, लेकिन इलाज की व्यवस्था आप देख रहे हैं। LNJP हॉस्पिटल में भी डेंगू मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में इस समय डेंगू कोरोना से भी बड़ी मुश्किल बन गया है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के कुल 1,171 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना के कुल 201 मामले दर्ज हुए हैं। सोमवार को जारी हुए डेंगू के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू के 2,708 केस आ चुके हैं। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट की माने तो 2017 के बाद डेंगू के सबसे ज्यादा मामले इस साल आए हैं। सबसे पहले 6 नवंबर तक साल 2018 में ये आंकड़ा 1,875 था, 2019 में 1,301 और 2020 में 722 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की कमर तोड़ दी है। दिल्ली के चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, हाल सबका एक सा ही है। दोनों जगह मरीजों के लिए बेड्स की किल्लत है। वहीं डॉक्टरों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि कई तरह के बुखार फैल रहे हैं, साथ ही कोरोना का डर भी है। इन सभी में तेज बुखार एक सामान्य लक्षण है। ऐसे में बीमारी के समय पर पहचान कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। जनरली इनिशियल डेज में, फर्स्ट फ्यू डेज में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डेंगू वायरस हो या कोई भी और चिकनगुनिया हो या जीका हो, इनमें ट्रीटमेंट वाइज कोई चेंज नहीं होता। मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो होती है कि हम उसका फीवर को कंट्रोल जो करें वो पैरासीटामोल की टैबलेट से ही करें। कोई भी ऐसी दवाई ना दें जिससे कि प्लेटलेट्स कम होने का खतरा होता है। एक वायरस जिसे आप देख नहीं सकते थे, जिसने पिछले 2 साल में आपको स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ी चुनौती एक मच्छर है जो आपको दिखता भी है, जिसे आप पनपने से रोक सकते हैं। इसीलिए अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और डेंगू को फैलने से रोकें।